तो गाइस हम हाजिर है फिर नई वीडियो के साथ, बट वो ओल्ड ही है जो मैंने पहले सोनी का अपलोड किया था, बट मैंने उसमें कुछ फीचर्स बताए नहीं थे। बट मैं भी आपको फीचर्स बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको सोनी 75X82L में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो सब मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और वीडियो लेते हैं जिसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने अनबॉक्सिंग करना चालू किया है, धीरे धीरे संभाल कर हम इसे निकालेंगे ताकि कोई फिजिकल डैमेज ना हो जाए। अच्छी पैकिंग दी जाती है, फ्रंट पे आपको एक बॉक्स मिल जाता है ऐसे, फिर बॉटम में आपको फ्रंट का ग्रिप निकाल के हमने देखा तो काफ़ी ग्लॉसी लुक है, साइड से पूरा बेजल लेस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लुक है इस पर टीवी में। अभी हम इसमें लगा रहे हैं हमारा टेबल टॉप, क्योंकि हम इसे टेबल टॉप पर रखने वाले हैं, ओके, ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, हम उसे चेक कर लेते हैं ताकि बाद में कोई तकलीफ ना हो के गिर पड़ जाए। फाइनली हमने हमारा टीवी टेबल टॉप कर लिया है, अब हम इसे हमारे एक टेबल पे रखेंगे ताकि इसे पब्लिकली लुक मिले, ओके। अभी हम इसे रखने जा रहे हैं टेबल के ऊपर। टेबल पे रखने से पहले हम टीवी को ऑन कर लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो हमने टीवी चालू किया, हमारा गूगल टीवी ऑन हो गया। तो फाइनली हमने टेबल पे रख दिया है हमारे टीवी को, अब हम उसे चालू करते हैं। चालू करने के बाद हमने इसका सेटअप करते हैं। नॉर्मली हमारा जो हम कंट्री है वो हिसाब से हम उसे सेट कर सकते हैं, हमारा इंडिया है तो हम इंडिया सेट कर रहे हैं, ओके। देन इसमें कैप से पूछता है कि सेटअप है गूगल टीवी और सेटअप है नॉर्मल टीवी, तो नॉर्मल टीवी हम सेलेक्ट करते हैं। फिर स्टार्टिंग में आपसे वाईफाई कनेक्टिविटी पूछता है, फिर इसके बाद आपको सब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने बोलता है। उसके बाद आपको एक वीडियो आता है जो आपको पिक्चर क्वालिटी के बाद बताता है, फिर उसके बाद हमारा ब्राविया, ओके। कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, धीरे धीरे हम इसे सब एक्सेप्ट करके एग्री ऑल करके इसे प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका पावर सेविंग मोड ऑफ रखते हैं ताकि पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा मिले। फिर इसमें आप नॉर्मली स्किप कर देना है हमें इसको, फिर इसमें चैनल लॉक कर देना है, फिर इसको वॉल माउंटेड टेबल टॉप है जैसे भी ठीक है आपको लगे वैसा कर देना है। फिर एकॉस्टिक कॉलिब्रेशन इसमें अलाउ करना है, फिर इसको मेजर एकॉस्टिक करना है, उसके बाद कंट्रोल कर लेना है। फिर एप्पल किट का भी ऑप्शन है इसमें, तो हम अभी नॉर्मली हमारा खाली सेटअप कर रहे हैं, हम पूरा सेटअप नहीं कर रहे। फिर इसमें अगर हमारा तो स्टोर था, हम उसे कम्प्लीटली एयरटेल मोड डालते हैं, बट आपके घर में रहेगा तो आप उसे नॉर्मल मोड में भी रख सकते हैं। ये पूरा सेटअप होने के बाद फाइनली हमारा टीवी ऑन होता हुआ और हमें ऐसा इंटरफेस मिलता है जिसमें हमें इनपुट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, डेमो कंटेंट मिल जाते हैं। ये डेमो कंटेंट रहते हैं जो कंपनी तरफ से आपके टीवी में आते हैं। नॉर्मली अगर आपको टीवी नहीं देखना तो आप डेमो कंटेंट चालू करके छोड़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सेटिंग में। सेटिंग में हम देखेंगे बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीन सेवर, इम्पोर्ट्स, पिक्चर, वाईफाई, एक्सेसिबिलिटी। फिर मोर सेटिंग में जाके हम हमारे गूगल टीवी का सेटअप कर सकते हैं, चैनल इम्पोर्ट्स का उसमें ऑप्शन है, डिस्प्ले एंड साउंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट, जैसे भी आपके घर में वाईफाई रह गई आपके आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट देख के आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट साइन इन कर लेना है याद से, प्राइवेसी ऑप्शन है, ऐप्स के ऑप्शन है। फिर इसके बाद सिस्टम टेक में आ जाता है, सिस्टम में आपको मिल जाता है अबाउट टीवी क्या फीचर्स है, फिर इसमें रिमोट एंड एक्सेसरीज। फिर ये आप होम सेटिंग बटन दबाते हो ना तो इंटरफेस सामने आपको ये ओपन हो जाता है जिसमें आपको इजी टू एक्सेस हो जाता है, यानी आपको पूरी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीवी का स्पीकर कनेक्ट करना है या वाईफाई कनेक्ट करना है
या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करना है, या आप पिक्चर मोड को चेंज करना है, या कोई ऑप्शन आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है कि आपको हैंड्स फ्री वॉइस आ जाता है, यानी आपको रिमोट का बटन दबा रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप उसे ओके गूगल के थ्रू कमांड दे सकते हो। प्लस इसमें आपको एकॉस्टिक मल्टी ऑडियो दिया हुआ है, यानी आपके जो स्क्रीन है उसके साइड में आपको दो ट्विटर है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और नीचे सबवूफर है। कभी आप कोई मूवी देखते हैं या कोई साउंड सुनते हैं तो आपको परफेक्टली साउंड आएगा, जिससे आपका लगता है कि भाई स्क्रीन में साउंड आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, वो नॉर्मली आपको साइड ट्विटर से आता है। ओके, प्लस इसमें आपको एक ब्राविया कोर करके ऑप्शन आता है, ये सोनी का ओन नेटफ्लिक्स कहा जा सकता है इसे। इसमें आपको कोई भी कंटेंट जहाँ भी किधर भी हो तो आपको फाइनली फ्रंट पे मिल जाएगा। ओके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब इसमें चीज़ें मिल जाएगी। प्लस इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, ये दोनों चीज़ें दी गई है, यानी विजन जो है आपके पिक्चर क्वालिटी के लिए काम करता है और एटमॉस आपको सराउंडिंग साउंड के लिए काम करता है। प्रोसेसर है जो